लोकसभा चुनाव को लेकर श्रावस्ती जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य अधिक से अधिक लोग मतदान कर सके और मतदान के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा सहित जिले के अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा जिले भर में तरह तरह के आयोजनों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा मतदाताओं से यह भी पूछा जा रहा है कि उन्हें वोट डालने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो आपकी समस्या को अविलंब हल किया जाएगा। इसी अभियान के तहत सीताद्वार में 5100 दीप प्रज्वलित कर मतदाताओं को जागरूक किया। डीएम दीपक मीणा के साथ एडीएम योगानंद पांडे, एसडीएम बिंगा चंद्रमोहन गर्ग सहित स्वीप कार्यक्रम से जुड़े तमाम अधिकारियों ने जिले के स्कूलों तथा सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर मतदाताओं को शपथ भी दिलाई। अधिकारियों ने डोर टू डोर जाकर मतदाताओं की समस्याओं को जाना और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया तथा भयमुक्त माहौल में वोट डालने की अपील भी की। विनय वाल्मीकि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस इंडिया, श्रावस्ती। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना 12 मई 2019 को अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चलाए गए हैं मतदाता जागरूकता के लिए क्या कहेंगे? और हमने ये देखा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पब्लिक काफ़ी इतने उत्साह से नहीं निकलती है जितनी लोकल चुनाव में निकलती है प्रधानी चुनाव में। इसके बाद भी लोकसभा चुनाव में 60% के आसपास की श्रावस्ती में वोट डाले थे जबकि नेशनल एवरेज 66+ है। तो इस बार काफ़ी मुख्य विकास अधिकारी मौजूद हैं, उनके प्रभारी हैं, उनके द्वारा काफ़ी इवेंट करवाए जा रहे हैं और ये इवेंट की एक सारे इवेंटों की कड़ी में एक इवेंट है जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। लोग यहाँ पे ऑफिसर्स भी आए, कई लोग आए जिन्होंने योगदान किया है और यही संदेश अपने घर में जाएंगे अपने परिवार में अपने आस पास रिश्तेदारी में और गाँव में कि कम से कम 12 मई